हेलो एवरीवन, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से क्या एक एडवांटेज नहीं है, क्या एक फ़ायदा नहीं है किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मीडियम जिसके जरिए क्रेडिट अवेलेबल हो पाता है, लेकिन वो भी स्पेशली कहाँ के लोगों के लिए, जो रूरल एरियाज के पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, और उनमें भी एक ग्रुप्स बनाने वाले जो लोग होते हैं वो मेनली वुमेन्स होती हैं। रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्र के जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनमें जो वुमेन्स हैं वो इस तरह के ग्रुप्स बनाती हैं और अपनी डेली अर्निंग का कुछ अमाउंट वो अपना सेव करती हैं और इस तरह से वो अपना एक पूल बना लेती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ताकि वो एक दूसरे को क्रेडिट कर पाएँ। सो अब यहाँ पर देखिए कि इनमें से क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमसे पूछा गया है कि क्या एक फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ग्रांट ऑफ टाइमली लोन्स, तो इसके जरिए टाइमली लोन्स मिल जाते हैं ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में, सो दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल इंटरेस्ट, यानी कम ब्याज पर लोन मिल जाता है, ठीक है, ऋण मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इनफॉर्मल जो क्रेडिट है उससे बच जाते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब है मनी लेंडर्स, ठीक है, साहूकार, उन लोगों से पैसा लेने की बजाय हम अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर क्रेडिट लेंगे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट हमें चुकाना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस इशूज़, कई प्रकार के मुद्दों पर डिस्कशन किया जा सकता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। डज नॉट हेल्प वुमेन टू बिकेम सेल्फ रिलायंट, सो दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इस तरह की जो एक पहल है इसके जरिए वुमेन्स क्या होती हैं, सेल्फ रिलायंट होती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो होता है इससे, ना कि नहीं होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।